नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। किसान भाइयों, आप सभी के हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और आपके सवाल थे कि सर ऐसी जानकारी दीजिए जिसमें पता लगाया जा सके कि किस महीने में कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं। तो आप सभी के सवालों के ऊपर एक जवाब लेकर हम आ गए हैं और 12 ही महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं, इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें साथ में जो बेल आइकन है उसको, ताकि देख पाए आप इसी तरह की और भी हमारी काम की जानकारी सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने में कौन कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो जनवरी महीने के अंदर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक कभी भी किसी भी मौसम में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली लगा सकते हैं। बस ध्यान ये देना होगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी महीने चेंज होंगे उन महीनों के हिसाब से आपका ये जो बीज है वो भी चेंज होता रहता है। तो आप दुकान वाले के पास जाएंगे या कृषि विभाग से खरीदते हैं तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि हमें इस मौसम में लगाना है, तो उसी मौसम के अकॉर्डिंग आपके लिए सीड्स मिल जाएंगे। फिर आप राजमा लगा सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और जो देसी मिर्च आती है उसकी खेती कर सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, पालक उगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, चप्पन कद्दू लगा सकते हैं और गिलकी लगा सकते हैं। ये इतनी सारी सब्जियां हैं जो कि आप जनवरी महीने में लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि हमने कोई सी सब्जियां छोड़ दी हैं और आप उसकी खेती करते हैं और अच्छे से सफल तरीके से आप खेती करते हैं और सफलता भी आपको मिलती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चल सके और हमारे किसान भाइयों के लिए भी मालूम हो सके कि इस महीने में कौन कौन सी खेती और हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो मंथ है फरवरी, तो फरवरी में आप राजमा की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च खेती कर सकते हैं, खीरा ककड़ी लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, लौकी है, तुरई है, गिलकी, ये जो बेल वाली फसलें हैं इनमें भी काफी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, तो आप लगा सकते हैं। गिलकी की बात करें तो इस वर्ष 2019 में जो पिछला वर्ष निकल चुका है उसमें इसके 30 रुपये पर केजी के हिसाब से मंडी से इसके दाम नीचे नहीं गिरे हैं और ओपन मार्केट में जो बिका है वो 40 से 50 रुपये पर केजी बिका है और जब सीजन था उस टाइम पे तो ये 70-80 रुपये पर केजी भी बिका है। तो जिन किसान भाइयों ने तुरई है, गिलकी है लगाई थी उनके तो मजे पड़ गए। करेला भी साथ में, करेला ने भी काफी अच्छे दाम दिए हैं। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फरवरी महीने में आप पेटा है, खरबूजा, तरबूज, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, भिंडी, अरबी, एस्पेरगस और गवार आदि तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। भिंडी हमने जनवरी के महीने की स्टार्टिंग में लगा दी है और हमारी भिंडी का जर्मिनेशन भी काफी अच्छा हो चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमने गिलकी भी लगाई है और हमने प्याज भी लगाई है। यदि आप हमारी फसल को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको खेत में ले जाकर बता भी देंगे। फिर इसके बाद मार्च महीने में आप क्या लगा सकते हैं ये भी जानिए। मार्च महीने में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये तो हमारी 12 महीने चलने ही चलनी है, आप जब इच्छा पड़े तब लगाइए। इसके बाद गुवार लगा सकते हैं, खीरा ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, पेटा, खरबूजा, तरबूज, पालक, भिंडी और अरबी आदि तरह की सब्जियां आप मार्च महीने में लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप अप्रैल महीने में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चौलाई और मूली आदि तरह की खेती कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर अप्रैल महीने में इतनी कम सब्जियां क्यों? क्योंकि अप्रैल महीने में टेम्परेचर काफी हाई रहता है गर्मी का, जिसके कारण सीड्स का जर्मिनेशन हो पाना वह मुश्किल होता है। यदि आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप ओपन में कर रहे हैं तो नाम मात्र में ही आप खेती कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पहली बात तो पानी कम हो जाता है और किसान भाई के पास पानी कम हुआ तो फिर उसकी फसल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और पानी की व्यवस्था जैसे तैसे है तो उस समय टेम्परेचर हाई होने की वजह से ज्यादा सब्जियां
जर्मिनेशन नहीं कर पाती हैं, ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए जो कर्री फसलें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद मई महीने में आप क्या क्या लगा सकते हैं, तो मई महीने में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैंगन, प्याज, मूली और मिर्च आदि तरह की खेती कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो जून महीने की सब्जियां हैं वो ये हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, खीरा ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, तुरई और गिलकी, पेटा, बीन, भिंडी, टमाटर, प्याज, चौलाई और शरीफा। प्याज वही छटकवा विधि से लगाना है। और कुछ किसान भाइयों के डाउट्स रहते हैं, सर तुरई और गिलकी दोनों एक ही है या अलग अलग है? हमारे पास कई सारे किसान भाइयों ने यह भी पूछा था कि सर तुरई और गिलकी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तुरई एंड गिलकी। तो तुरई और गिलकी देखिए ये अलग है और गिलकी अलग है, दोनों बेल वाली फसलें हैं, दोनों में प्रोडक्शन काफी अच्छा है, लेकिन गिलकी में प्रोडक्शन उपज जो है वो ज्यादा मिलता है, तुरई में कम मिलता है। तुरई जो है गिलकी की अपेक्षा महंगी बिकती है और तुरई की नाक नक्शा, डिजाइन, लंबाई, साइज सब कुछ अलग है, लेकिन गिलकी के सेम ही रहती है। यदि आप जानना चाहते हैं तुरई और गिलकी की खेती करनी कैसे करनी है, तो इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस डाला है, तो आप जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फिर जुलाई महीने में जो सब्जियां उगानी है वो ये है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, खीरा ककड़ी, लोबिया, गिलकी, करेला, लौकी, तुरई, पेटा, भिंडी, टमाटर, चौलाई, मूली। आप कहेंगे कि सर जुलाई महीने में पेटा कैसे होगा? तो भाई बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये जो देश है, संसार है, इसके अंदर काफी तरह की सब्जियां अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से उगाई जाती है। मध्य प्रदेश में पेटा नवंबर महीने के बाद उगाया जाता है, तो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, वहां पर जुलाई के बाद भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप जहां भी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर खेती करेंगे तो फायदे में बने रहेंगे। फिर इसके बाद अगस्त महीने में आप गाजर है, सलगम है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बीन, टमाटर, काली सरसों के बीज, पालक, धनिया, ब्रासल्स स्प्राउट और चौलाई आदि तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं। हाँ, एक बात और आपके लिए बता देना चाहते हैं कि गाजर, सलगम और क्या है, चुकंदर, चुकंदर है क्या यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है, लेकिन चुकंदर की खेती भी आप कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो तीन सब्जियां हैं, यदि आप अगस्त और सितंबर और अक्टूबर इन 3 महीने में यदि आप इसकी बुआई कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। सितंबर अगस्त में कर देंगे तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये गाजर, सलगम और चुकंदर दिसंबर महीने में मार्केट में आ जाता है, और जो किसान भाई सबसे पहले लेकर आता है वह लाखों में इनकम करके ले जाता है। 3 साल से हमको जिसकी खेती करते थे चुकंदर की, और हम काफी अच्छा प्रॉफिट ले जाते थे, 1 किलो बीज बोते थे, आराम से काफी अच्छी इनकम हमारी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और सभी किसान भाई जागरूक हो रहे हैं। और वही बात हम आपके लिए बता देना चाहते हैं कि गाजर, सलगम, चुकंदर की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो अपने यहाँ के मंडी को पकड़कर चलिए, जो कि हर बात बताते हैं हम आपके लिए कि आपके मंडी में जिस महीने में, जिस मौसम में जो फसल आती है तो वह कब, किस टाइम पर महंगी बिकती है। तो 3 महीने कोई सी भी फसल को लेकर चलिए, 3 महीने में वह फल देना स्टार्ट कर देती है, तो आप 3 महीने पहले ही उसकी तैयारी कर दीजिए, बीज जर्मिनेशन के लिए खेतों में डाल दीजिए। जब 3 महीने बाद आपकी फसल मार्केट में पहुंचेगी तो वाकई में आपको फायदा अवश्य होगा। हाँ, समय से पहले बुआई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें ना तो मच्छर लगता है, ना ही मक्खी लगती है, ना ही इल्ली लगती है, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और यदि कोई नुकसान होता भी है तो उसके लिए हमने आपके लिए सेफ्टा बताए हैं, ट्रैप बताए हैं, उनको लगाइए, जैविक तरीके से खेती करिए, तो आपको फायदा 1% नहीं, 100% होगा ही होगा। यदि कोई दिक्कत आती हो तो हमारे साथ कमेंट करिए, और वीडियो काफी लंबी बनेगी इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि विस्तार से जानकारी देते चलेंगे। फिर इसके बाद आप सितंबर महीने में लगा सकते हैं गाजर, सलगम, चुकंदर, फूल गोभी, आलू, टमाटर, काली सरसों के बीज, मूली, पालक, पत्ता गोभी, कोहि, राबी, धनिया, सौंफ के बीज, सलाद व ब्रोकली आदि तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं। इसी के साथ ही आप मेथी की बुआई भी कर सकते हैं। मेथी की बुआई में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय मौसम काफी खराब रहता है, और मेथी में यदि बदल हुए तो वह मरना स्टार्ट कर देती है। तो इसके बचाव के लिए आपको उसका जर्मिनेशन करवाना है अच्छे से, और चाहते हैं कि हमारी फसल नष्ट ना हो तो उसके लिए आप बीजों को उपचारित करके डालिए। मेथी की फसल को फंगस से बचाना है तो उसके लिए हमने दवा भी बताई है, और किस तरीके से बीज को उपचारित करना है वो भी बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।
थोड़ी मेहनत तो आपके लिए भी करनी पड़ेगी। जब हम आपके लिए तरह तरह की जानकारी ढूंढकर लाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो आपके लिए भी थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। और आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वहां तक ये जानकारी पहुंचे जिनको वाकई में जरूरत है। इसके बाद अक्टूबर महीने में आप क्या लगा सकते हैं? गाजर है, सलगम है और चुकंदर, फूलगोभी, करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, आलू, टमाटर, काली सरसों के बीज, मूली, पालक, पत्ता गोभी, कोहरी रावी, धनिया, सौंफ के बीज, राजमा, मटर, ब्रोकली, सलाद, बैंगन, हरी प्याज, ब्रसल्स स्प्राउट और लहसुन आदि तरह की आप सब्जियां और फसलें लगा सकते हैं, जो कि काफी हद तक फायदे में देखे जाएगी आपको। और फायदा रहेगा ही रहेगा और प्रॉफिट अवश्य मिलेगा यदि मार्केट में आपको मंडी का भाव अच्छा मिल जाता है। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन मंडी का भाव है। यदि मार्केट में मंडी का अच्छा भाव नहीं मिला तो किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, और यदि मंडी का भाव अच्छा मिल जाता है तो किसान की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, बारे न्यारे हो जाते हैं। तो आप मार्केट में अपना भाव देखकर चलिए। फिर नवंबर महीने में क्या लगा सकते हैं आप? तो नवंबर महीने के अंदर आप करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, चुकंदर, सलगम, फूलगोभी, टमाटर, काली सरसों के बीज, मूली, पालक, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, और वो देसी मिर्च है वो लगा सकते हैं, लहसुन, प्याज, मटर, धनिया आदि तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं, जिनसे फायदा आपके लिए अवश्य ही होगा ही होगा। फिर दिसंबर महीने में क्या लगाएंगे? तो दिसंबर महीने में करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, टमाटर, काली सरसों के बीज, मूली, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सलाद, बैंगन, प्याज और लहसुन आदि तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं। और इन फसलों को यदि आप समय पर बुआई करेंगे तो वाकई में आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई बात कि किस महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। अब इनमें से आपके कोई सवाल है ये, जैसे कि किस महीने में आप, अभी चल रहा है हमारा जनवरी, और जनवरी के बाद फरवरी, यदि जनवरी आपका निकल चुका है और फरवरी में कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कि राजमा, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, बेटा, खरबूजा, तरबूज, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और भिंडी, अरबी, एस्पेरगस और गुआर आदि तरह की फसलों या सब्जियों में से, या फिर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो कौन सा बीज बेस्ट रहेगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द जल्द से जल्द आपके इन सवालों के जवाब दे सकें। और सभी की कमेंट्स तो हमारे पास आती रहती है, लेकिन हम सभी किसान भाइयों के कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अब एक दो नहीं बहुत ज्यादा कमेंट्स आती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके जवाब वीडियो के रूप में दे दें। और अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो हमारी जैविक खेती के ऊपर आएगी, हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी जैविक खेती करिए जितना हो सके। जैविक खेती करने में आपकी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। यदि आपको नहीं पता है कैसे जैविक खेती करते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जैविक खेती के बारे में भी, और जैविक खेती से जुड़ी दवाइयां, खाद, बीज और उसकी क्या प्रोग्रेस होती है सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बस हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि देख पाए इसी तरह की और भी आप काम की खबरें खेती किसानी से जुड़ी हुई सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।